हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? फ्रेंड्स, पहले तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना आप सभी को इंट्रो दे दूं, क्योंकि बहुत से ऐसे भी होंगे जो शायद मुझे नहीं जानते। मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूं और मेरा जो डिग्री है BAMS मैंने किया हुआ है, बैचलर डिग्री इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। उसके बाद डिप्लोमा छात्रा से किया हुआ है मैंने और छात्रा से प्रैक्टिस करता हूँ। प्रोक्टोलॉजिस्ट का मेरा अपना डिपार्टमेंट है। एनोरेक्टल सर्जरी जितने भी होती हैं, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, जितना भी होता है वो सभी छात्रा विधि के द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वो कुछ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आए, जिन क्वेश्चंस को मैं चाहता हूँ कि समाज के सामने वो क्वेश्चंस आए और उन क्वेश्चंस का जवाब आप ढूंढें, या तो अपने कमेंट्स के जरिए मेरे को बताएं, कोई ना कोई जवाब ढूंढें। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, या हो सकता है कि हमारा समाज जो BAMS जितने भी होते हैं वो सभी गलत हो सकते हैं, लेकिन मैं गवर्नमेंट से केवल एक ये पूछना चाहता हूँ कि वो प्राइवेट चिकित्सक के साथ, अब प्राइवेट चिकित्सक के अंदर जितने भी BAMS हैं या BHM या फिर BUMS होते हैं या आयुष डिपार्टमेंट पूरा पूरा आप ले सकते हो, इसके अंदर ही यही क्यों आते हैं? इन्हीं के साथ हमेशा दोहरा रवैया क्यों अपनाया जाता है? क्यों इनको हमेशा तिरस्कार की नज़रों से देखा जाता है? क्या 5.5 साल की मेहनत करके डॉक्टर नहीं बनते? और जब डॉक्टर बनते हैं तो उसके बाद जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं सभी हॉस्पिटल्स के अंदर BAMS, BUMS या BHMS जो करते हैं 5-5, 10-10 साल अपने जीवन के देते हैं, उसके कारण भी बहुत, उसके पीछे भी बहुत कारण होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं क्यों अपनी पैथी को छोड़ के एलोपैथ के अंदर गए। सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि हमारे भारतवर्ष के अंदर जब कॉलेज खुलते हैं और जब कॉलेज के अंदर बच्चा पढ़ने जाता है तो या तो उसको संपूर्ण जो नॉलेज है वो पूरा आयुर्वेद के अंदर या होम्योपैथ के अंदर दी जाए, और जब उसको संपूर्ण नॉलेज मिलती है, वो संपूर्ण नॉलेज लेके आता है, तो उसको नॉलेज लेने के बाद वो बाहर जब आता है तो उसको केवल एलोपैथ के अलावा पूरा जो बवंडर फैला हुआ है एलोपैथ का, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो अगर मैं पर्सनली अपनी करूँ तो मेरा क्या है कि मैं प्योर छात्रा करता हूँ, तो मैं हो सकता हूँ मैं प्योर आयुर्वेद कर सकता हूँ, मैं सर्वाइव कर सकता हूँ अपने आप में। गवर्नमेंट जॉब्स इतनी नहीं है जो सभी डॉक्टर्स गवर्नमेंट जॉब कर ले। दूसरी बात कि गवर्नमेंट के पास इतनी पॉलिसीज नहीं होती कि हर चिकित्सक को वो जॉब दे सके, या कोई जॉब अगर खाली भी होती है तो वो खाली हमेशा के लिए पड़ी रहती है, उसके अंदर कभी भी दूसरा डॉक्टर अपॉइंट नहीं किया जाता। जो हमारी सरकार की नीति है वो ये है कि संविदा पे डॉक्टर रखे जाते हैं, NRSM के थ्रू रखे जाते हैं, और जब BAMS डॉक्टर या BHMS डॉक्टर संविदा के थ्रू जाता है एलोपैथ के अंदर, मतलब कि एक तरह से एलोपैथ के अंदर नहीं कहना चाहिए, PHC, CHC या किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर जॉब करता है, तब वहां उसको सब अलाउ होता है। देखो भारतवर्ष की कितनी बड़ी विडंबना है, जब किसी MBBS MD के अंदर एक BAMS जॉब करता है तब वो डॉक्टर बहुत ब्रिलियंट है, सारे वर्क कर सकता है, हर चीज से उसको ऑथेंटिसिटी मिलती है। किसी PHC, CHC के अंदर कोई BAMS बैठा हुआ है तो उसको पूरी ऑथेंटिसिटी है, वो सारे काम कर सकता है। लेकिन जब वही BAMS डॉक्टर अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाता है तो पीछे से सरकार की दिशा निर्देश बहुत मिलते हैं कि सर आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। आप मेरे को एक बात बताओ, जितने भी देहात कस्बे हैं अगर BAMS सभी के सभी एक बार अपने क्लिनिक बंद करके साइड में हो जाए तो क्या आपको लगता है कि ये MBBS आपका कंप्लीटली आपके पूरे समाज की सेवा कर पाएंगे? ये पूर्णतया असंभव है, हो नहीं सकता कभी भी। लेकिन ये जो हमारी रजिस्ट्रेशन का नाम है नीमा और IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इनकी हमेशा वर्चस्व की लड़ाई हमेशा लड़ती रहते हैं हमेशा, लेकिन जीतते IMA वाले क्यों हैं? क्योंकि उनका वर्चस्व ज्यादा है, हर जगह एलोपैथ है। हमारे भारतवर्ष में आयुर्वेद चिकित्सा रीढ़ होने के कारण भी हमारी जो चिकित्सा मूल है वो आयुर्वेद है, और आयुर्वेद सब 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 जितनी भी चिकित्साएं हैं उनकी जननी भी है। जितनी चिकित्साएं हैं सबका रूट आयुर्वेद है। अभी आयुर्वेद से मेडिसिन निकलती है उसको पेटेंट करते हैं और एलोपैथ के अंदर डाल लेते हैं। हमारे आयुर्वेद के अंदर कहते हैं कि रिसर्च नहीं होती, रिसर्च होगी कहां से? जब इसको बजट ही कभी नहीं मिलता, जब हमारे आयुष डिपार्टमेंट को आज तक बजट ही नहीं मिला तो रिसर्च कहां से होगी? और जब रिसर्च नहीं होगी तो हमारे नए जो जितने भी डॉक्टर्स बन के आते हैं जो BAMS करते हैं वो सीखेंगे क्या? जब उनको रास्ता कुछ नहीं मिलेगा तो अपने फैमिली का पालन पोषण करने के लिए वो मजबूरन एलोपैथ प्रैक्टिस करना पड़ता है, उनको जाना पड़ता है, जॉब करना पड़ता है जिससे अपने परिवार का पालन पोषण करें। अरे गवर्नमेंट को अगर लगता है
कि आपको ये ऑथेंटिसिटी नहीं है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो कॉलेज बंद क्यों नहीं करते, आप पूरे कॉलेज को बंद क्यों नहीं कर देते। जो लड़का 6 साल अपने जीवन की देके आता है, उसके बाद वो 3 साल 5 साल एलोपैथ की प्रैक्टिस करता है, तो वो कैसे प्योर आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर लेगा। दूसरी बात, जिस जगह वो प्रैक्टिस करता है, जो देहात का एरिया है, आयुर्वेद उसको सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि आयुर्वेद की मेडिसिन बहुत महंगी होती है, और आयुर्वेद की मेडिसिन वीआईपीज के अलावा दूसरा बंदा नहीं खा सकता, और इतना पैसा उस बीएमएस के पास नहीं होता कि वो बड़े सिटी के अंदर अपना सेटअप डाल सके। गवर्नमेंट जॉब दे दो, हमको क्या दिक्कत है। हम प्योर एलोपैथ को पूर्णतया बिल्कुल साइड में रख देंगे अगर हमको हमारी जिम्मेदारियां इतनी नहीं होगी, अगर हमारी जॉब अच्छी लग जाएगी तो हम क्यों करने लगे एलोपैथ। सबसे बड़ी विडंबना है, जब अभी कोरोना को लो, अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना काल में सबसे ज्यादा जो सबसे पहले कोरोना योद्धा बने हुए हैं गवर्नमेंट के अंदर, सारे बीएमएस आप जाके देख लो, सारे आयुष डॉक्टर मिलेंगे, आप किसी की भी डिग्री पूछ लेना क्या डिग्री है उसकी। लेकिन वही दोहरा रवैया गवर्नमेंट का भी और सीएमओ का भी, जो हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं या डीएम एसडीएम होते हैं, उनका सबका दोहरा रवैया क्या है, वो सब गवर्नमेंट का तब तक कोरोना योद्धा है, बीएमएस है, बीएचएमएस है, कुछ भी, उससे कोई मतलब नहीं है उनको, उनकी उनकी कोविड 19 की ट्रेनिंग सबकी हो चुकी है। लेकिन हमारी जितने प्राइवेट चिकित्सक हैं, किसी की भी अभी तक कोरोना की ट्रेनिंग नहीं हुई है। क्या आपको लगता है कि कोरोना कोई मेडिसिन इनके पास है जिससे कोरोना का इलाज करते हैं। मैं कहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर के अंडर भी इसको डाल दो, अगर कोरोना के पेशेंट्स को देखने का अलाउ कर दें, तो सभी डॉक्टर्स पूरा कोरोना की ट्रेनिंग इनकी करा दी जाए, तो सभी डॉक्टर्स मेहनत से पूरे भारतवर्ष कोरोना को खत्म कर सकते हैं। इतनी हिम्मत है प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी। प्राइवेट सेक्टर को और गवर्नमेंट सेक्टर को दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी जाके सॉल्यूशन कुछ ना कुछ निकलेगा, नहीं तो सॉल्यूशन कुछ नहीं निकलने वाला। और लगता है किसी को, अभी आप एक छोटी सी बात बताओ, पीछे से नियम आते हैं कि नहीं नहीं क्लिनिक नहीं खोलना, ओपीडी नहीं करनी, एमरजेंसी करनी है। एमरजेंसी का और ओपीडी का क्या मतलब होता है, ओपीडी से ही एमरजेंसी निकलती है। अभी मैं छात्रा की प्रैक्टिस करता हूं, जिस पेशेंट का, जो पुराना पेशेंट है जिसका थ्रेड बदलना था, फिस्टुला के पेशेंट का, क्या उसको एमरजेंसी नहीं है। 3-3 महीने हो चुके हैं उनको थ्रेड बदले, वो पेशेंट नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की गलत नीतियां हैं। गवर्नमेंट केवल एलोपैथ की तरफ देखती है, उसको नहीं पता दूसरी बीमारियां भी होती है, कोरोना के अलावा भी दूसरी बीमारियां हैं, पेशेंट्स एक्सपायर होते हैं, उसके अलावा भी मरते हैं, दूसरी बीमारियों से मरते हैं, सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो इस चीज को क्यों नहीं समझते आप लोग। अगर आप लोग हाँ इतना कर सकते हैं कि भाई आप टाइम फिक्स कर दो, कोरोना की सबकी ट्रेनिंग कराओ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, जो जितना भी सैनिटाइजेशन है अगर नहीं कर रहा है कोई सेंटर, कोई हॉस्पिटल या क्लिनिक, तो उसको आप बंद कर दो। लेकिन ये कहां का न्याय है कि आप प्राइवेट डॉक्टर को बिल्कुल बंद करके बैठे हुए हो, जिसका रोजगार का पूरा साधन ही अपने क्लिनिक पे बैठा हुआ है, अपना क्लिनिक चलाने के बाद ही अपने परिवार का पालन पोषण करता है, गवर्नमेंट से एक पैसे की भी हेल्प नहीं मिलती, वो कैसे अपना रेगुलर अपना क्लिनिक बंद करके बैठ जाएगा, जबकि उसकी वजह से समाज के कितने लोगों का भला होता है। लेकिन प्रशासन का नियम आता है, नहीं भाई ओपीडी नहीं करनी, आप बिल्कुल बंद करो, हमको क्लिनिक बंद करना पड़ता है। पेशेंट बाहर आते हैं, कहते हैं सर आप क्लिनिक नहीं खोल रहे, भाई क्लिनिक नहीं खोल रहे, पीछे से मना किया हुआ है। तो और एक और बात कि जो दारू की लाइनें लगी हुई है 2-3 किलोमीटर की, तब कोरोना नहीं फैलता। जो मेडिकल स्टोर ओपन कर रखे हैं, वहां पे 20-30 पेशेंट्स लाइन में लगे होते हैं, दवाई लेते रहते हैं, तब कोरोना नहीं फैलता, जबकि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं करते। वहां कब सिर्फ खूब बेची जाती है, जुखाम नजर की दवाई खूब दी जाती है, लेकिन तब कोरोना नहीं फैलता। कोरोना फैलता कब है, जब केवल एक बीएमएस जो आयुष डॉक्टर है वो अपना क्लिनिक खोल के बैठेगा तो कोरोना फैलेगा, जब एक एमबीबीएस अपना हॉस्पिटल खोल के बैठेगा तब कोरोना नहीं फैलेगा। ये कहां का न्याय है, ये कहां तर्कसंगत लगता है बताओ आप। ये सब बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये सब बातें आप एक समाज के अंदर एक एक बंदे को पता लगे कि एक बीएमएस की कितनी बड़ी विडंबना है इस भारतवर्ष के अंदर, कि एक बीएमएस पूरा क्वालिफाइड होते हुए भी अपने आप को बहुत असहज महसूस करता है, प्रशासन की कमियों की वजह से, गवर्नमेंट की कमियों की वजह से। हमारे भारतवर्ष के अंदर अगर आप चारों तरफ आयुर्वेद के हॉस्पिटल बना दोगे तो क्या जरूरत है किसी को आयुर्वेद के डॉक्टर को एलोपैथ की प्रैक्टिस करने की। आयुर्वेद के अगर हॉस्पिटल होंगे तो कहां आयुर्वेद के हॉस्पिटल है। अगर 50 करोड़ बजट आता है, छोटी सी बात मैं जनरल ऐसे ही सुपरफिशियली बता रहा हूं, अगर 50 करोड़ बजट आता है तो 50 करोड़ में से 3 करोड़ मिलता है पूरा आयुष डिपार्टमेंट को, 47 करोड़ मिलता है एलोपैथ को, क्यों तरक्की नहीं करेगा एलोपैथ। अरे आप 50 करोड़ में से 25 करोड़ बीएमएस को दो ना आयुर्वेद को, तो फिर देखो आयुर्वेद कितना जबरदस्त तरक्की करता है। कोरोना के अंदर इतनी जबरदस्त इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर, इतनी अच्छी अच्छी पावर करने वाली मेडिसिन, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली दवाइयां हैं जो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही हैं।
होम्योपैथ के अंदर बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं जो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है। एलोपैथ के अंदर मेरे को एक दवाई बता के दिखाओ कोरोना का क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं एलोपैथ के डॉक्टर, डेंगू का चिकनगुनिया का क्या ट्रीटमेंट देते हैं एलोपैथ के डॉक्टर, आप मेरे को एक बात बताओ कि इस तरह की जितने भी वायरल इन्फेक्शन की बीमारियां हैं कोई ट्रीटमेंट है एलोपैथ के अंदर, लेकिन फिर भी बढ़ावा किसको, एलोपैथ को बढ़ावा किसको, एलोपैथ के डॉक्टर को, बीएमएस को, बीएचएमएस को, इनको कोई बढ़ावा नहीं, बीयूएमएस को कोई बढ़ावा नहीं, क्योंकि बेचारे ये आयुष डॉक्टर हैं, या ये मान लो कि मिडिल क्लास लोग थे, कमजोर फैमिली के लोग थे, कमजोर फैमिली से पढ़ने वाले बच्चे थे, सिलेक्शन किसी कारणवश नहीं हो पाया एमबीबीएस में, जो पैसे वाले लोग थे वो डोनेशन से एमबीबीएस करने चले गए, जिनके पास पैसा था वो पैसे एमबीबीएस बन गए, और जो गरीब थे जिनका सिलेक्शन हुआ है वो रैंक की वजह से बीएमएस में चले गए, या प्राइवेट कॉलेज के अंदर जिसका कम चार्ज होता है वहां पे बीएमएस करने चले गए, जो पैसे वाले थे वो एमबीबीएस करने चले गए, तो जो पैसे वाला था वो एमबीबीएस करके आया तो वो मतलब एक तरह से सुपीरियर हो गया, लेकिन एक बीएमएस जो बहुत ब्रिलियंट था जिसको कुछ ही कम नंबर से एमबीबीएस नहीं मिल पाया था वो बेचारा डाउन हो गया। ये कहां का न्याय है, कहां तर्कसंगत लगता है, समाज की 80% सेवा जो कर रहे हैं ना वो बीएमएस कर रहे हैं, आप कहीं जाके देख लो, हर देहात हर कस्बे के अंदर, मैं अमीनगर सराय एक टाउन है यहां पे बैठा हुआ हूं, यहां पे केवल एक एमबीबीएस है, एक एमबीबीएस का हॉस्पिटल है, वो भी 3 से 4 घंटे ओपन करते हैं उसके बाद चले जाते हैं, उसके बाद कोई डॉक्टर यहां पे नहीं मिलता, अगर शाम को 7 बजे किसी को प्रॉब्लम होगी तो कौन आएगा, कौन देखेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हम लोगों को। मैं केवल आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद केवल ये था कि लोगों की जो दोहरी नीति है, जो सरकार की दोहरी, सरकार क्या है, सरकार को तो कुछ भी नहीं पता, वो डॉक्टर थोड़ी है, जो उनको बताया जाता है वो उसको मान लेते हैं, और बताने वाले कौन है, एमबीबीएस डॉक्टर, वो सभी जो बताएंगे वही होगा, सीएमओ एमबीबीएस होता है, हमारे जो डीओ साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होते हैं आयुर्वेद के, वो ये कहते हैं कि मैंने, मेरे को तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली, मैंने आपको बंद करने के लिए बोला क्लिनिक को, ना खोलने के लिए बोला, सीएमओ साहब जो करेंगे वो करेंगे, सीएमओ साहब ऐसे हैं, सीएमओ साहब ने आज तक हमारी ट्रेनिंग भी नहीं कराई, ये न्याय लगता है आपको, ये तर्कसंगत लगता है, मेडिकल स्टोर पर लाइन लगी 1 किलोमीटर की, आधा किलोमीटर की, सुबह शाम तक ओपन होने के आदेश हैं, क्या वहां से कोरोना नहीं फैलेगा, लेकिन एक पढ़ा लिखा डॉक्टर जो कोरोना के पेशेंट्स को गवर्नमेंट तक पहुंचा सकता है, जो कोरोना के पेशेंट को बता सकता है कि हाँ ये कोरोना का है, उस डॉक्टर को अलाउ नहीं है। तो मेरी प्रशासन से केवल ये अपील है कि हम सबको प्रैक्टिस के लिए अलाउ किया जाए, हम सबको क्लिनिक ओपन करने के लिए अलाउ किया जाए, और हम अपनी पूरी सेफ्टी के साथ, ये मैं गारंटी लेता हूँ, अपने पूरे बागपत जिले की तरफ से भी, अपने पूरे अपनी एसोसिएशन की तरफ से भी, कि हम बिल्कुल भी किसी भी तरह से, किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही ना तो करेंगे और ना बर्दाश्त करेंगे किसी पेशेंट की भी, अपनी तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, सैनिटाइजेशन करेंगे, बहुत अच्छी तरह से पीपी किट के अंदर बैठ के पेशेंट्स को देखेंगे, और बहुत जल्दी अगर कोई भी पेशेंट्स लगेगा इस तरह के लक्षण वाला तो उसको तुरंत गवर्नमेंट को तुरंत इन्फॉर्म करेंगे, अगर इस तरह से गवर्नमेंट चलेगी तो बहुत जल्दी हम कोरोना से जंग जीत सकते हैं, नहीं तो आपको क्या लगता है कि कोरोना खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म नहीं होने वाला, ये बढ़ता रहेगा, और जितने डॉक्टर्स गवर्नमेंट के पास है वो डॉक्टर सफिशियंट नहीं है, जब तक आप आयुष डिपार्टमेंट को अपने साथ अटैच नहीं करोगे तब तक आप इस महामारी में सक्सेस नहीं हो सकते। ये आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद केवल यही था कि मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट तक मेरी बात पहुंचे, इसलिए मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, जिससे कि समाज के अंदर भी और जितने भी प्रशासन के अंदर लोग बैठे हुए हैं उन तक हमारी बात पहुँचे, और हमारी विडम्बना को वो लोग समझें, और हमारी जितनी भी कमियां जो रह रखी हैं, जो भी ट्रेनिंग वगैरह जो नहीं हुई है उसको गवर्नमेंट तुरंत के तुरंत अलाउ करे, आयुष डिपार्टमेंट की जहां भी ट्रेनिंग नहीं हुई है या जहां भी क्लिनिक बंद है उनको सबको खुलवाने का आदेश करें। जय हिंद, जय भारत।